लुक एट द ब्राइटनेस यार, सिर्फ फॉग लाइट पे इतना ब्राइटनेस, वो भी सुबह के टाइम पे। भाई मैं आपको एक बुरी खबर देना चाहता हूँ। क्लाइंट थी ना भाई, मुझे पता ही नहीं था, शी इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, उनका नाम है प्रशंसी सिंह। तो मैंने अभी चेक किया उनका प्रोफाइल एंड वाकई में मेरे गाड़ी में वो बैठे थे। मैंने हेडलाइट ऑन ही नहीं किया है। अब आपको जो ये फोकस दिख रहा है ना ऑटो रिक्शा के ऊपर, रास्ते के ऊपर वाइट, वो है फॉग लाइट का कमाल भाई। चाबी तो दोनों गाड़ी का, दोनों गाड़ी का चाबी तो आज गाड़ी चल चुकी है 179,689 किलोमीटर्स। फ्यूल तो है, मतलब क्लाइंट लोकेशन तक पहुँच सकता हूँ भाई। अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं शेविंग करवाने के लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी बियर्ड आ चुकी है एंड आज एक्चुअली बहुत टाइम के बाद क्लाइंट के साथ आज मेरा एक जर्नी है, लोकल जर्नी है, मुंबई के अंदर ही घूमना है मेरे को, क्लाइंट के साथ जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मैं शेव करवा लूँ, क्योंकि ये थोड़ा अनप्रोफेशनल दिखता है। तो अभी आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे एंड अभी हम लोग डीजल भर रहे हैं 1,000 रुपये का। ओके भाई, दोपहर का टाइम है एंड हम अभी मेट्रो के नीचे है। अभी आप मेरी गाड़ी में देख सकते हो फॉग लाइट चालू हो गए हैं। लुक एट द ब्राइटनेस यार, सिर्फ फॉग लाइट पे इतना ब्राइटनेस, वो भी सुबह के टाइम पे भाई, बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब। पहुंच चुका हूँ टू अंधेरी वेस्ट में, ये आप ऊपर दिख रहे हो, दैट इज मेट्रो। राइट मार्क फिर जाना है टूवर्ड्स वर्सोवा एंड ETA दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेट 7 मिनट्स। भाई क्लाइंट के लोकेशन में पहुंच चुका हूं, लेकिन बिल्डिंग ये बिल्डिंग है कि आगे वाले बिल्डिंग है पता नहीं है, वो मैं पाकिंग चेक करता हूं गूगल मैप से। एंड अभी और आधा घंटा है, 1:30 का पिकअप था, अभी बजे है 1। एंड आज मैं आपको एक बुरी खबर देना चाहता हूं इस व्लॉग के माध्यम में, नहीं इस व्लॉग के माध्यम से। भाई 2:15 बज गए एंड मैडम का फ़ोन आ गया है, बोला कि आप कार लेके बिल्डिंग में आ जाओ। अब बिल्डिंग ये शायद ये जो बिल्डिंग है ना वाइट में, वहाँ पे जाना है मुझे। एंड जो बैड न्यूज़ है ना भाई, वो बैड न्यूज़ मैं आपको आज के व्लॉग में बता दूंगा। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू माई हेल्थ ओनली। चलो ठीक है, हम जाके पिकअप करते हैं मैडम को। हम लोग पहुँच चुके हैं पवई, मैम को ड्रॉप किया है, अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि देखो खा पी तो सकता नहीं हूँ मैं बाहर का कुछ, एंड हेल्थ को लेकर थोड़ा इश्यूज़ है, तो वही बैड न्यूज़ है, वो आपको मैं मैडम बताता हूँ। अभी जाते हैं सबसे पहले चाय पीने के लिए। तो भाई फाइनली चाय वाय पी लिया, फ्रेश हो चुका हूँ एंड चाय पीने से भाई बहुत सही है। यहाँ पर अगर आप पवई में कभी आते हो ना, तो याद रखना ये मॉल है हाइको मॉल, ठीक है, उसके सामने गैलरिया है सामने की तरफ, वहाँ पे जाके चाय पीना भाई। आपको चाय में, सॉरी, आपको चाय में ना बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे भाई एंड बहुत सही चाय बनाते भाई। अब मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, वहाँ पे जाके चाय पीता हूँ भाई। एंड आज तक ऑलमोस्ट 9 साल हो गए मेरे को लगता है, 9 से 10 साल, जब भी यहाँ पे आता हूँ ना भाई, फ्लेवर चाय का स्वाद वैसे का वैसा ही है, वैसे ही मेंटेन किया उन्होंने भाई। बहुत भीड़ भी होती है, लेकिन बहुत क्विक सर्विस है एंड जबरदस्त चाय होता है वहाँ पे भाई। ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं भाई एंड मैं अभी तक गाड़ी में बैठा हूँ। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे हेल्थ को लेकर क्या इश्यूज है। अभी कुछ दिनों पहले ना मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने मॉम का फुल बॉडी चेकअप करवाया था, तो मॉम का एज को लेकर ना थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ है, तो विच इज़ कंट्रोलेबल, बट मेरा एज ओनली 36 एंड मेरे जो रिपोर्ट्स निकाले, मेरे भी फुल बॉडी चेकअप तो नहीं करवाया, बट मैंने विटामिन D3 वगैरह वगैरह सब करवाया था एंड मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना भाई, वो एक्सट्रीम लेवल पे हो चुका है, मतलब इतना हाई है कि डॉक्टर ने कहा है एवरी डे आई हैव टू वॉक 15,000 स्टेप्स, वरना कभी भी आगे जाके मुझे बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। आई हैव टू कट डाउन ऑन एवरी जंक फूड दैट आई सी, मतलब मैं ऐसा था कि भाई समोसा पाओ वड़ा पाओ तो ऐसे खाता था, मतलब पूछो मत, बट अब ऐसा नहीं कर पाऊंगा। A few minutes later, भाई 5:30 हो चुका है एंड क्लाइंट का जस्ट फोन आया कि अब बोला कि आप आ जाओ फटाफट एंड हम फिर निकलते हैं यहाँ से वापस टू गो टूवर्ड्स अंधेरी। तो अभी जाता हूँ मैडम को पिकअप करता हूँ एंड फिर निकलते हैं। भगवान माँ कसम क्या फीलिंग है इसका भाई। टाइम हो चुका है 6:45 एंड मैंने मैडम को ड्रॉप कर दिया है एट बांद्रा अराउंड क्या था वो पाली हिल। अभी जो मैंने क्लाइंट थी ना भाई, मुझे पता ही नहीं था, शी इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन, उनका नाम है प्रशंसी सिंह। तो मैंने अभी चेक किया उनका प्रोफाइल एंड वाकई में मेरे गाड़ी में वो बैठे थे। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि मैंने वो कहीं पे देखा है, लेकिन फिर लास्ट में मैंने जाके हिम्मत करके मैम को पूछा कि मैम आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो मैम ने बोला कि नहीं, मेरा नाम है प्रशंसी सिंह, आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। तो अभी ड्यूटी खत्म नहीं हुआ मैम का, तो मतलब ड्यूटी खत्म हो गया, अभी उनके जो मैनेजर है ना जो गोरेगांव में है, उनको पिकअप करना है एंड फिर पता नहीं और कहाँ लेके जाएंगे, लेट्स सी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, भाई मर के पहुंचा हूँ गोरेगांव, ठीक है। अभी क्लाइंट ने कहा एक काम करो, आप हाईवे पे यू टर्न लेके खड़े हो जाओ एंड फिर हम आपको वहीं पे मिलते हैं, आप अंदर मत आना क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं है। तो अभी बस इसके आगे वाला जो ब्रिज है ना, ओबेरॉय मॉल का ब्रिज,
तो आपको वहाँ पे वो लंबी बिल्डिंग दिख रही है लेकिन बहुत सारे लाइट्स लगे हैं, तो वहीं पे मुझे यूटर्न लेके खड़ा रहना है। मैं पहुँच चुके हैं गोरेगांव ईस्ट ऑपरा मॉल के बाहर एंड अभी पे रुके हैं अभी, तो क्लाइंट अभी आ रहे हैं ऑन द स्पॉट मतलब ये स्पॉट पे क्लाइंट अभी आ रहे हैं, ऑटो रिक्शा में है, तो फिर यहाँ से वापस चाहिए हम जाके टूवर्ड्स अंधेरी एंड वापस मुझे आने में पूरा का पूरा वो ट्रैफिक जो था ना भाई पूरा झेलना है भाई, बहुत ट्रैफिक था बहुत, तो मैं अभी आने टाइम वापस आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ। भाई एक मजे की बात बताओ, मैं अभी पहुँच चुका हूँ कांदिवली वेस्ट, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो भाई आप तो अंदर ही जाने वाले थे गोरेगांव से, तो इतने टाइम में आप यहाँ भी पहुँच गए, तो देखो इसका रीज़न ये है कि जब मैंने क्लाइंट को पिकअप किया ना गोरेगांव, तो क्लाइंट का कि चलो अपन जाते खार, मैं बोला ठीक है। तो बाद में ऐसे पूछ लिया उन्होंने कि भाई तुम्हारी गाड़ी किधर की है, वे डू स्टे, मैं बोला कि सर आई स्टे एट बोरीवली, तो बोलता अरे यार फिर तो आपको पूरा ट्रैफिक झेल के वापस आना पड़ेगा, एक काम करो उससे अच्छा आप मुझे रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दो, मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ लूँगा और जल्दी पहुँच जाऊँगा और आपको कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फिर आप मुझे ड्रॉप करोगे एक घंटा उसमें लग जाएगा, फिर वहाँ से वापस आप आपके घर पे जाओगे उसमें दो घंटा लग जाएगा, तो तीन घंटा आपके एसी चला जाएगा भाई, मतलब कि उससे अच्छा आप यहीं से कंटिन्यू कर लो आपके घर की तरफ और मुझे ड्रॉप कर दो स्टेशन पे। तो बस वही थी हमारी कहानी, उनको ड्रॉप कर दिया स्टेशन पे और हम आ चुके हैं अभी कांदिवली। भाई अभी तक की पूरी जर्नी में ना मैंने हेडलाइट ऑन ही नहीं किया है, अब आपको जो ये फोकस दिख रहा है ना ऑटो रिक्शा के ऊपर रास्ते के ऊपर वाइट, वो है फॉग लाइट का कमाल भाई, वो भी लो बीम पे, हाई बीम चालू करूँगा ना भाई तो आपको दिखा दो एक बार, देखो ये हाई बीम कितना पावरफुल भाई, भाई खुल जा जल्दी। तो भाई चलो अभी मुझे थोड़ा बिल्डिंग का काम करना है, वो सब काम खत्म कर लेता हूँ एंड आज का वो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा आज की वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए एंड मैं आपको है ना एक दो ब्लॉग में बताऊंगा कि मेरा एक्चुअल जो रिपोर्ट है ना उसका मैं कॉपी आपको भेज दूंगा, अपना नाम वम्बर हटा के, नाम नहीं मैं नंबर वम्बर हटा के ताकि आप समझिए। तो एनीवेज चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, चलता टाइम।